हम लोग वहाँ पर कथा सुन रहे थे। क्या कथा सुन रहे थे? नारद जी जब आए उन्होंने सारे यज्ञ बंद करवा दिया। बोले क्यों? बोले जीवन में जब किसी साधु का दर्शन हमें मिल जाए ये समझनी चाहिए कि साक्षात भगवान ही कृपा करके ये साधु रूप में आए। इसलिए हम लोग जो सबेरे जो कीर्तन गाते हैं ना, संसार प्राप्त गो नर नवस वंदे गुरुसी शरणारविंद वंदे गुरुसी शरणारविंद। बोले यहाँ पर कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुदेव कौन है? गुरुदेव है कौन? बोले तो गुरुदेव और कहीं नहीं, भगवान जब किसी जीव को पर कृपा करते हैं, कहते भगवान की जो कृपा, भगवान का जो आशीर्वाद, जो कृपा ये एक मूर्ति रूप धारण करता है। बोले ये कौन है? बोले श्री गुरुपाद पद। इसलिए गुरुदेव कौन है? ठाकुर जी की कृपा ही एक रूप धारण करके इसी जगत में गुरु रूप में आते हैं। इसलिए जीवन में जब हमें किसी सद्गुरु का दर्शन हो जाती है, शास्त्र कहता है तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गया, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गया तुम्हारी। बोले क्यों? बोले वो जो गुरुदेव है, इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, बोले आचार्य मांग बिना बिजानिया। कहते गुरु जी को किस रूप में मानो? कहते गुरु जी को मेरा ही स्वरूप मानो, आचार्य मांग बिजानिया। इसलिए जो गुरुदेव है कौन है? कहते सर्वदेव मय गुरु, गुरुदेव सर्वदेव स्वरूप श्री गुरु जी है। इसलिए आज जिस समय उनका दर्शन मिल गया, नारद जी को दर्शन मिल गया, वसुदेव महाराज कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले आज तो साक्षात हमें भगवत प्राप्ति हो गया। जो कर रहे थे विश्व शांति महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ का विश्व शांति मिल गया। शांति कब मिलेगा? जब भगवत दर्शन होगा। और जब साधु दर्शन हो गया तब तो भगवत दर्शन हो गया, तब भगवान दर्शन हो गया। इसलिए श्री नारद जी सुनाई पड़ रहा है तो उधर का आवाज आ रही है, ये दरवाजे को बंद कर दे। ठीक है। इसलिए पर बोले अभी तो भगवत कृपा, अभी तो हमें नारद जी मिल गए, नारद जी मिल गए। तो नारद जी प्राप्त हो गए, फिर उसको बाद में क्या करनी चाहिए? साधु तो हमें दर्शन मिल गया, साधु दर्शन हो गया, बोले उसको बाद में भी तो कुछ करनी चाहिए ना। बोले उसको बाद में क्या करनी चाहिए? बोले सदगुरु से भगवत मंत्र को प्राप्त करनी चाहिए। सदगुरु का चरण को आश्रय ग्रहण करके तब क्या भगवत भक्ति करनी चाहिए। अभी मैं कुछ कथा सुना रहा था ना, जैसे वे राम रहीम है, आसाराम बाप की है। अभी सुना रहा था वो हमारे उड़ीसा में एक सारथी बाबा था, वो जिसको साक्षात भगवान मानते थे। कहते ये साक्षात ये भगवान सारथी बाबा कौन है? कहते ये भगवान है। उसका लकेट लोग पहन करते थे, घर घर में ठाकुर जी की जैसे उनको पूजा करने लग जाते थे। लेकिन वो व्यक्ति अभी जेल में बंद पड़ा हुआ, वो जेल में बैठा हुआ है। इसलिए कभी कभी लोगों को भ्रमित कर देते हैं लोग, कभी कभी लोगों को भ्रमित कर देते हैं जी। इसलिए केवल भगवान हो तो हमारे कृष्ण राम है नारायण है, यही केवल भगवान, और कोई भगवान नहीं। इसलिए अभी सद्गुरु चरण आश्रय करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न होता है अभी भक्ति करे कैसे? गुरु जी से हरिनाम ले लिया, मंत्र ले लिया, उसके बाद में यही सब कुछ नहीं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से वृंदावन आने के लिए टिकट बनाया,
अगर टिकट को पकड़ में रख लोगे क्या यहाँ पर पहुंच जाते? नहीं, हम लोग एयरपोर्ट में आना पड़ा, फिर चेकिंग में अपना बोर्डिंग कार्ड लिया, फिर अपना सीट में बैठे, फिर पेन ला करके इंडिया में ले आए। उसी तरह सदगुरु चरण आश्रय तो कर लिया, भगवान का नाम तो ले लिया, उसके बाद में हमें फिर भक्ति मार्ग पर हमें चलनी चाहिए, भक्ति मार्ग में हमें चलनी चाहिए, भक्ति मार्ग में। बोले भैया भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है। कहते भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है। बोले नहीं, भक्ति कठिन नहीं, भक्ति बहुत सरल है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे भक्ति देखो क्या है, जैसे यहाँ पर एक चीज रखा हुआ, यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख लिया, पास भक्ति, यही भक्ति है। भक्ति और कुछ नहीं है, कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है। भक्ति यहाँ से उठाया, भक्ति हो गया। बोले इसका मतलब क्या? कहते इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो कर रहे हो वही करो, और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, जो कर रहे हो वही करो। जैसे सवेरे नहाते हो, सवेरे उठकर ब्रश करते हो। बोले क्यों ब्रश कर रहे हो? बोले मुंह से बदबू निकलेगा, हैं? बदबू निकलेगा। बोले स्नान क्यों कर रहे हो? बोले गंदा शरीर में कैसे करेगी, गंदा शरीर हो जाए। लेकिन एक भक्त जब स्नान करता है क्यों? अरे ठाकुर जी का मंगल आरती करना है ना, ठाकुर जी की मंगल आरती करके जल जल नहाओ। ये ब्रश क्यों कर रहे हो? कारण क्या? बोले कारण है, अरे मुंह से बदबू आएगा, ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, हैं? बदबू आएंगे। बढ़िया कपड़ा साड़ी पहन रहे हो, बढ़िया सुंदर साड़ी कपड़ा पहन रहे हो। साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, अरे इसलिए पहन रहा हूँ मैं, कितना सुंदर लगूंगा, कितना सुंदर लगूंगा। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है? बोले क्यों, अरे बढ़िया कपड़ा पहने के तब तो ठाकुर को सेवा करेंगे, पवित्र कपड़ा पहन करके, धुला हुआ कपड़ा पहन करके तब तो हम ठाकुर सेवा करेंगे, तब हम ऐसे कैसे पहन सकते हैं? गंदे कपड़ा पहन कर ठाकुर को सेवा कैसे कर सकते हैं? सवेरे सवेरे खाना बनाते हो, सवेरे सवेरे खाना बनाते हो, हैं? बढ़िया बढ़िया खाना क्या क्या बनाते हो? पराठा, और क्या बनाते हो? ब्रेड, हैं? फल, तरह तरह का खाना बनाते हो। बोले क्यों क्यों बना रहे हो? बोले हम खाएंगे ना। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है, नहीं ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए हम बढ़िया बढ़िया चीज को बना रहे हैं, हैं? बोले घर को साफ करते हो, साधारण व्यक्ति घर को परिष्कार करता है। बोले क्यों करता है? बोले घर गंदा हो जाएगा ना, गंदा किस घर में रहेगी। लेकिन एक भक्त क्यों साफ करता है? बोले ये भगवान की दरबार है, ठाकुर जी की ये मंदिर है। अगर कभी ठाकुर जी की इच्छा हो चलने फिरने के लिए, अगर घर में गंदा होगा तो ठाकुर को प्यार में धूल लग जाएगा। इसलिए हम घर को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे, घर को साफ कर रहे। मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। बोले क्यों? बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे और हम उसको खाएंगे। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है, नहीं मार्केट से सबसे बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे। बोले क्यों? ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग करेंगे, अर्पण करेंगे ठाकुर जी को, हैं? अर्पण करेंगे। इसलिए बस सवेरे सवेरे ऑफिस जाते हैं, सवेरे सवेरे टाइम पर ऑफिस जानी चाहिए, ऑफिस जानी चाहिए समय पर, हैं? ऑफिस चले जाएगा तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो पैसा होगा तो खाएगा, खाना कहाँ से खाएगा? एक साधारण व्यक्ति इसलिए ऑफिस जाता है। लेकिन एक भक्त क्यों जाता है? अरे ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं होगा ठाकुर की सेवा में कैसे करेंगे, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगा? एक भक्त ये चीज सोचता है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं तावत रागा दया स्मृता, वो ब्रह्मा जी कहते हैं तब तक ये संसार माया है। बोले कब तक? बोले जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं जाते, गुरु जी की शरण में नहीं जाते हो तब तक ये संसार माया। लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में चले जाए, जब हम गुरु जी की शरण में चले जाए, ठाकुर जी की शरण में चले जाए, भगवान की भक्ति करना, बोले ये संसार माया नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले कृष्ण संसार कर छाड़िया न चार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं संसार करो, बोले किसके संसार? बोले भगवान का संसार। पत्नी कौन है? पत्नी
ठाकुर जी की दासी सेवी का है, हम कौन है, भगवान का सेवक है, हैं? पत्नी की शादी क्यों किया, अपना भोग के लिए नहीं, अगर शादी नहीं करेगा ठाकुर के लिए खाना कौन बनाएगा, बढ़िया बढ़िया खाना कौन बनाएगा, ये घर को साफ सुथरा कौन करेगा, हम तो बाहर काम के लिए चले जाएंगे। इसलिए ये कृष्ण दासी, ये कौन है, कृष्ण दासी, हम कौन है, कृष्ण दास। बोले ये बच्चे कौन है, बच्चे कौन है, बोले ठाकुर के बच्चे हैं, बच्चा तो ठाकुर ने दिया, ठाकुर जी बच्चे दिए, क्योंकि बड़े बनकर वैष्णव बनेंगे, बड़े बनकर के वैष्णव बनेंगे, भजन करेंगे, इसलिए हमने ये बच्चों को इसलिए हमने जन्म दे, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, समझ लिया ना, भक्ति क्या है, इसको यहाँ पर उठाया और उठा करके यहाँ बस यही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं, भक्ति और कुछ नहीं, भक्ति केवल अपना भावना को बदला देना ही भक्ति, केवल अपना भाव को बदला दे बस भगवान की भक्ति हो जाएगी, भगवान की भक्ति हो जाएगी। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, इस कथा को सब याद करना, घर में प्रचार करना जाकर, ऐसे नहीं कथा सुनकर यहीं पर छोड़कर चले जाओ, इसलिए घर में प्रचार करना। विश्वनाथ जी को उदाहरण देते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति खूब घी पीता था, खूब घी पीता था, अभी घी पीते 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 उसका पेट पतला हो गया, पेट में और घी और किसी तरह से घी पेट में बच नहीं रहा है, लेकिन उसको घी चुभता नहीं, घी उसको बढ़िया लगता है। इतने में उसने गया किसी डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब घी मुझको बहुत अच्छा लगती है, लेकिन घी पेट में हजम नहीं हो रहा है, घी मेरे को कुछ उपाय बताओ, लेकिन घी छोड़ नहीं सकता। इतने में डॉक्टर ने कहा देखो कोई बात नहीं, तुम्हें घी छोड़ने का जरूरत नहीं, घी खाओ, घी पियो, लेकिन पहले जैसे घी को डायरेक्ट पी लेता था ऐसे पीना नहीं, अभी मैं एक पुड़िया देता हूँ, अभी मैं तेरे को एक पुड़िया देता हूँ, ये घी को ये पुड़िया में मिला करके ना उसको चाट चाट कर खाया कर, पहले घी डायरेक्ट पीता था इसलिए पेट में अपच होता था, लेकिन जब उसने पुड़िया में ऐसे कुछ मेडिसिन था आयुर्वेदिक जिसमें खट्टा है मीठा है नमकीन है उसको अंदर में, जब उसे चाट चाट कर खाता है उसका मुंह से लाल निकलती है, जब लाल निकलता है ना, पहले जो घी पेट में नहीं पचता था उसको मुंह से लाल निकलता है, अभी जो घी उसको पेट में अपच का काम करता था अभी उल्टा काम करना शुरू कर दिया, उसको पेट में पचने का काम शुरू कर दिया, वही घी अपच था लेकिन घर में पेट में पचना शुरू कर दिया, उसका हेल्थ एकदम मोटा हो गया, पहले जो पतला हो गया था मोटा हो गया। देखो यहाँ पर यही शिक्षा देते हैं, घी किया बोले कर्म, घी कर्म, लेकिन वो कर्म पहले जो कर्म करता था घी पीता था, कर्म कैसे करता था, करने वाला मैं हूँ, मेरा घर मेरा मकान मेरा दुकान मेरी बीवी मेरे बच्चे, मैं बकरी मैं करता इसलिए मरता है, इसलिए मरता है। लेकिन अभी उसने बोले पुड़िया दे दिया, बोले देखो ये पुड़िया को ले लो, मिला दो ना पुड़िया को, कहते ये किस चीज की पुड़िया, बोले ये भक्ति की पुड़िया प्रेम की पुड़िया है, अब ये पुड़िया को मिला दो, मतलब खूब कर्म करो खूब पैसा कमाओ, बोले किसके लिए, ठाकुर के लिए कमा रहे, घर बढ़िया बनाओ, बोले क्यों, बोले भगवान की मंदिर है ठाकुर का दरबार है, बच्चों को जन्म दो पालो, बोले क्यों, बोले बच्चे बनकर के वैष्णव बनेंगे भजन करेंगे भगवान की, हैं घर को साफ करो, बोले क्यों, बोले भगवान की दरबार, बस हो गया, हो गया यही भक्ति का पुड़िया मिला दिया तो बस कल्याण हो गया, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं भक्ति कोई कठिन चीज नहीं, भक्ति बहुत आसान चीज है, जो कर रहे हो सब वही करो, लेकिन किसके लिए करो, भगवान के लिए ठाकुर जी के लिए करो, बस बड़ा बात उधार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको बाद में क्या बताते हैं, कल हम सुनेंगे इसको, कल हम सुनेंगे, आप लोग आ जाना, ठीक है, टाइम पर आ जाना।
आ जाएंगे तो फिर कथा को सुनेंगे ठीक है। इसके बाद गौर ब्रह्मानंदे हरी हरि ओ नहीं आप लोग आ जाना 5 बजे आना क्योंकि आप लोग आने से पहले ना मैं उड़िया लोगों को क्लास दे दूंगा।